नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। पथरिया नगर की बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन सड़क, जो कि करीब 2 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है, उसके निर्माण की मांग को लेकर नगरवासियों द्वारा आज से नगर के मुख्य चौराहे पर माथे पर काली पट्टी बांधकर धरने में शामिल होकर विरोध कर सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। इस संबंध में युवाओं द्वारा SDM को करीब 15 दिन पहले ज्ञापन भी दिया गया था और सड़क निर्माण शुरू न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। पथरिया में थाने तिगड्डे से लेकर रेलवे तिराहे तक की निर्माणाधीन सड़क काफी दिनों से जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सड़क का निर्माण 2 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। आक्रोशित नगरवासियों ने पथरिया SDM को कई बार ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि निर्माणाधीन सड़क का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कराकर कार्य शीघ्र समाप्त किया जाए। पथरियावासी अब सड़क पर आ गए हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर नगरवासियों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल होकर सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। अब कोई रोक नहीं सकेगा। यहाँ देखना, आज हमारा यह प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम रोड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा संगठन नगर विकास समिति कुछ भी कर सकती है। यह पूर्णता गैर राजनीतिक धरना प्रदर्शन है। हमें किसी हो सकती है, दुकानदारों के मुंह पर लगती है, कांच पर लगती है, लेकिन फिर भी दुकानदार सोए हुए हैं। रोड के लिए हमें रोड पे आना पड़ा, रोड के लिए हमें रोड पे आना पड़ा। अब बताइए, इसके बाद भी हमें समर्थन नहीं मिल रहा। लोग अपनी अपनी दुकानों में, अपने अपने घरों में निश्चिंत होकर सुन रहे हैं, यहीं से सुन लेंगे। पथरिया से समय जगत के लिए सुरेश नामदीप की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।